हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में, और जो टॉपिक है वो है थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। और जो हमने थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग का पार्ट वन वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पहले वो वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें मैं वो थ्योरीज़ बताऊँगा जो कि बची हुई हैं। तो बात कर लेते हैं उन थ्योरीज़ के बारे में जो हमने रेस्ट ऑफ वीडियो के लिए छोड़ी हुई थी। तो दो थ्योरीज़ हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक आ जाती है ऑपरेंट कंडीशन लर्निंग, या फिर आप कह लीजिए थ्योरी ऑफ ऑपरेंट लर्निंग, तो ये थ्योरी एक रहेगी। और एक रहेगी थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग या गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग जो थ्योरी है वो बीएफ स्किनर जो हैं उन साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर प्रोवाइड की थी। और ये जो थ्योरी है ये ज़्यादातर रेनफोर्समेंट पे जो है आधारित है, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजिस्ट बताता है, साइकोलॉजिस्ट ये बताता है कि एक व्यक्ति जो लर्न करता है या अपने बिहेवियर में कोई लर्निंग को लाता है, तो वो अपने बिहेवियर को जब लर्निंग में लाता है तो उसमें दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक रेनफोर्समेंट एक पनिशमेंट। तो होता क्या है, जब भी कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी लर्निंग करता है या कोई भी सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज को क्रिएट करता है, मतलब कई चीजों को करता है, तो उन चीजों से अगर उसको कोई पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करता चलता है समय दर समय। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है कि उन सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज से उसे रिजल्ट नहीं मिलता है बल्कि उसको कोई ना कोई नुकसान होता है, तो वो उसके लिए एज ए पनिशमेंट हो जाता है, वो उसको एज ए पनिशमेंट मान लेता है और फिर उन बिहेवियर्स को रिपीट नहीं करता है। तो ये थ्योरी यही स्टेट करती है, बीएफ स्किनर यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने बिहेवियर में अगर कोई भी चेंजेस लाता है, अपने बिहेवियर में कोई भी लर्निंग लाता है, तो वो उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग लाता है। जैसा उसको रिस्पॉन्स मिलता है वैसे ही वो चीज़ों को अपने बिहेवियर में लाता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बिहेवियर में वो आगे लाएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो बिहेवियर में उन चीज़ों को कभी भी रिपीट नहीं करेगा। अब इस चीज़ को समझाने के लिए जो बीएफ स्किनर है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पुट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिवाइस सेटअप किया जिस डिवाइस में एक लिवर था और वहां पर एक फूड डिस्पेंसर था। अब ये डिवाइस छोटा सा था, आपको इमेज में यहां पर दिख पा रहा होगा कैसे किस तरीके का ये डिवाइस है, और इसको ज्यादातर रैट्स पर यूज किया। अब इसमें जो फूड स्टोर है वो लिवर को दबाने से बाहर निकलता है, जब लिवर प्रेस किया जाएगा तो फूड जो है वो बाहर निकलेगा। अब ये कंडीशन थोड़ी ट्रायल एंड एरर से मिलती जुलती है। अब यहां पर आपको क्या बताया गया है कि जब भी चूहा आता है वो फूड की स्मेल लेता है और फूड निकालने की कोशिश करता है, तो कई जगह हाथ मारता है, कई जगह हाथ लगता है उसका, लेकिन फूड जब नहीं निकलता है तो कभी ना कभी उसका हाथ उस लीवर पर चला जाता है और उसके बाद फूड बाहर निकलता है। तो उसने क्या किया, पहले बार जब उसने बहुत बार ट्राई किया तो वहाँ पर क्या था कि उसने जहाँ जहाँ हाथ रखा और जहाँ जहाँ उसको हाथ रखने पर फूड डिस्पेंस नहीं हुआ तो उस जगह पर उसने दोबारा हाथ नहीं रखा। जहाँ पर उसने हाथ रखा और फूड निकला है उस चीज़ को उसने नोटिस कर लिया, और ये उसके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम किया कि यहाँ पर हाथ रखते हैं तो फूड डिस्पेंस होता है। और इसी चीज़ से उसने एक लर्निंग ले ली कि मुझे ये लीवर प्रेस करना है और फूड को बाहर निकालना है। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से उसने सीखा, और पनिशमेंट उसको क्या मिला कि जहां जहां उसने ऐसी जगह हाथ रखा जहां जहां फूड डिस्पेंस नहीं हुआ जहां से, वहां उसको दोबारा हाथ नहीं रखना है। तो उस वो अपने बिहेवियर में जिन चीजों को लाएगा जो कि उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो चीज उसको एज ए पनिशमेंट है उनको वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो ये चीज टोटली यहां पर बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग में बताई हुई है। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग या थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जो कि बनी हुई है एक तरीके पे कि आप कब कैसे चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को यूज़ करके लर्निंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप आसपास की चीज़ों को यूज़ करके उस काम को करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप अगर पेपर को कट कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं जिसमें आपको पेपर को कट करना है और आपके पास सीजर नहीं है आपके पास वहाँ पर प्रेजेंट, तो आप आसपास देखते हैं कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ प्रेजेंट है जिससे कि मैं इस काम को कर पाऊँ। तो आपके पास अगर नाइफ है तो आप नाइफ से ही वो पेपर कट करना शुरू कर देते हैं। तो ये लर्निंग होती है इनसाइटफुल की, जिसमें कि आप अपने आसपास की थिंग्स को देख करके, समझ करके और उसको यूज़ करके लर्निंग करना शुरू कर देते हैं, इसी को इनसाइटफुल लर्निंग बोला जाता है। इनसाइटफुल लर्निंग में जो गेस्टाल्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर यूज़ किया।
तो इस थ्योरी में इन्होंने चिंपैंजीज के साथ क्या करते हैं, चिंपैंजी एक केज में है और इस केज में चिंपैंजी जब है तो, और दूसरी चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये इस थ्योरी को दो स्टेप में इन्होंने दिखाया हुआ है, दो तरीके से आपको दिखाया हुआ है। पहले तरीके में इन्होंने क्या किया हुआ है कि चिंपैंजी केज में है और बनानास जो हैं वो ऊपर हैंग कर दिए हैं, लटका दिए हैं किसी चीज़ से, और नीचे उन्होंने लकड़ी के दो बॉक्सेस रखे हुए हैं। इमेज में क्लियरली आपको दिख पा रहा है कि सिनेरियो किस तरीके से क्रिएट किया गया है, देखिए। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, जब चिंपैंजीज जो हैं वो बनाना को लेने की कोशिश करते हैं, बनाना अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हाथ को ऊपर करते हैं और बनाना अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हाइट ज़्यादा होने की वजह से बनाना अचीव नहीं हो पाते हैं। तो चिंपैंजी यहाँ पर क्या करता है, वो एक बॉक्स को उठाता है, आसपास देखता है पहले, उसके बाद वो बॉक्स को उठाता है और बॉक्स पे खड़े होकर बनाना को अचीव करने की कोशिश करता है और बनानाज उसको अचीव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि उसने अपने आसपास बॉक्स को यूज़ किया और बनानों को अचीव किया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में गैस्टाल्ट क्या करते हैं कि बनानास की हाइट को और ज़्यादा ऊपर कर देते हैं कि वो एक बॉक्स से अचीव ना हो। अब यहाँ पर क्या करता है चिंपैंजी फिर से कोशिश करता है, बॉक्स के ऊपर खड़ा होता है, बनाना अचीव करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है क्योंकि हाइट बढ़ चुकी है अब इस बार। तो इस बार क्या करता है, वो आसपास फिर से देखने लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं इस बनाना को अचीव कर पाऊँ। तो वो दूसरे बॉक्स को वहाँ पर देखता है, दूसरे बॉक्स को उस बॉक्स के ऊपर प्लेस करता है और उसके बाद फिर से खड़ा होता है और बनानास को अचीव कर पाता है। तो ये यहाँ पर गेस्टाल्ट ने बताया कि किस तरीके से वो अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, उनको यूज़ कर रहा है और लर्निंग कर पा रहा है। तो यही चीज़ गेस्टाल्ट यहाँ पर बताना चाहते हैं। दूसरी जो फेज़ है थ्योरी का, उसमें भी इन्होंने चिंपैंजी और बनानास का ही यूज़ किया है, लेकिन तरीका थोड़ा यहाँ पर बदल दिया है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, बनानास को इस बार हैंग नहीं किया और बल्कि वो बाहर रख दिए हैं। बाहर रखने पर इन्होंने क्या किया है कि अंदर को जो है, या फिर उसके पहुँच जहाँ तक पहुँच जाए हाथों से, वहाँ कुछ स्टिक्स भी रखी हुई हैं। तो दो स्टिक यहां पर रखी हुई हैं। तो अब चिंपैंजी जो है वो बनानास को अपना हाथ बढ़ा करके अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो अचीव नहीं कर पाता है। तो अब यहां पर चिंपैंजी क्या करता है, एक स्टिक को उठाता है और स्टिक से बनाना को खींच लेता है। अब स्टिक से बनाना को खींच लेता है, बनाना ईट कर लेता है और यहां पर एक लर्निंग हो जाती है उसकी कि स्टिक से उसने बनाना को अचीव कर लिया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में गेस्टाल्ट जो है वो फिर से बनाना की जो डिस्टेंस है वो इतनी बढ़ा देते हैं कि एक स्टिक से अचीव ना हो पाए। अब वो फिर से स्टिक उठाता है और अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ चुकी है, अब वो अचीव नहीं कर पाता है। तो वो आसपास की चीज़ों को देखता है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो वो स्टिक उठाता है। स्टिक उठाने के बाद वो दोनों स्टिक से एक बार ट्राई करता है कि कैसे वो बनाना को अचीव कर ले, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, वो दोनों स्टिक से भी अचीव नहीं कर पाता है। तो थोड़ी देर बाद वो कुछ प्रयासों के बाद या कुछ ट्राई के बाद वो दोनों स्टिक को मर्ज कर देता है, दोनों स्टिक को ज्वाइंट कर देता है और ज्वाइंट करने के बाद स्टिक बड़ी हो जाती है, उसके बाद बनाना को अचीव करने की कोशिश करता है और बनाना उसको अचीव हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसने जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया कि वो लर्निंग उसके लिए एक हो जाए या वो अपने गोल को अचीव कर ले। तो यहाँ पर लर्निंग जो है वो आसपास की चीज़ों को इंसाइट करने से या उसको देख करके समझ करके यूटिलाइज करने से यहाँ पर हो रही है। यही चीज़ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग में यहाँ पर बताई गई है। तो ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और आपको अगर थ्योरीज ऑफ लर्निंग में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।